देख रही चंडी, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। पाउटन मालो, यहाँ पे एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। अंदर बूंद होगी तो ना, अंदर तो सिर्फ हवा है। मिनरल वाटर कंपनी ने तुम्हारे पापा को बेवकूफ बना दिया है। हो ही नहीं सकता गुप्पू, हमारे पापा ने 10 गुना ज्यादा पैसे देके पानी मंगवाए। पैसे पानी के दिए हैं, लेकिन लेकर हवा आए हो। चलो शर्त लगाते हैं, अगर टैंकर से पानी निकला तो तुम लोग जीते, और जीतने वाला हारने वाले को एक एक बाल्टी पानी फ्री देगा। मंजूर? ये कैसी शर्त है? अरे चिंटी, हमारे जीतने की बात कर रहे हैं ये लोग। हाँ ओके ओके, मंजूर है। कमिटमेंट देते हो? हाँ देते हैं कमिटमेंट, सिर्फ तू ही नहीं है पूरे भारत नगर में जो कमिटमेंट दे सकता है, हम भी देते हैं। ला बाल्टी निकालो। चिंटी पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ, पाइप क्यों नहीं लगाया? पापा टंकी में पानी ही नहीं है। क्या? अरे बेटा चिंटी हट। लगता है मिनरल वाटर कंपनी ने आपको बेवकूफ बना दिया है, टैंकर में पानी ही नहीं है। शर्त हम हार गए और ये विमान की पलटन जीत गई। अरे विमान, हम लोग जीत क्यों गए यार? अगर हार जाते तो कम से कम हमें पानी मिल जाता। पापा हम निकलते वक्त पानी देखा था आपने? हाँ, तो फिर बारिश का वेट करना पड़ेगा। चल। सब अजीब हो रहा है, अचानक पानी खत्म, फिर बिन मौसम बारिश। पार्टनर और परियां भी आई थी, मतलब जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वीर लोग जाना पड़ेगा। ये लो पानी परी, ये वीर लोग के शक्ति संजीवनी पेड़ का रस है। मेरा शक सही था, यहाँ पानी परी कमजोर हो गई है और धरती से पानी खत्म होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तिमनासा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ विवान, तिमनासा ही ये सब कुछ कर रही है, पर वो ये सब कर कैसे रही है? इसका जवाब तो हमें काल लोग जाकर ही मिलेगा। पाटन कहाँ? इसलिए तो बालवीर कालोक गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वाटर, तुम यहाँ? कब पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर दिए तो निभानी तो पड़ेगी ना, इसलिए आप जहाँ मैं वहाँ। ठीक है विवान, लेकिन हमें यहाँ हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि तिमनासा को जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आए। ठीक है बार्टर। आ गए दोनों, दुनिया के रखवाले। टिम्मी आंटी, आपने दो स्वागत ही कर दिया हमारा। कितनी बार तो कहती हूँ कि काल्लोक वाले इतने भी बुरे नहीं कि स्वागत ना करें तुम दोनों का। उन प्यासे बच्चों का राज जानने आए हो ना? मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको बटर, ये तिमनासा की कोई चाल भी हो सकती है। नहीं विवान, जितना मैं तिमनासा को जानता हूं ये उसकी कोई चाल नहीं। चलो देखो बालवीर, वो रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वाह टिम्मी आंटी, अब तो आपने चोरियां भी शुरू कर दी है। कौन से म्यूजियम से चुरा के लाए हो ये मूर्ति?
आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, यही है वो मूर्ति जो उन प्यासे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती। क्या हुआ बालवीर, पृथ्वी का पानी खत्म होने से बचाना चाहते हो? जाओ रोक लो, क्योंकि ये मूर्ति और प्यासे बच्चों की फौज भेजने वाली है। पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेंगे धरती लोग, पृथ्वी का पूरा पानी खत्म कर देंगे। अब क्या करेगा धरती का रक्षक? ये देखो एक और बच्चा। जरा बताओ तो सही कि तुम दोनों में से इसके साथ कौन खेलेगा? जल्दी से खिलाओ, कहीं ये ना हो कि इससे पहले कि बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं। क्या हुआ बालवीर, नहीं रोगे? कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूं। मुझे पीछे। अगर तुम्हारी खेल कूद खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। बालवीर, अगर तुम चाहते हो कि ममता से भरी हुई मूर्ति जो प्यासे बच्चों को जन्म देती है खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मेरी एक शर्त है। विवान को मेरे हवाले कर दो। और फिर ये प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इतना सोचो मत बालवीर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इतना। एक तरफ ये अकेला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया, सोच लो क्या कहेगी दुनिया कि दो दो बालवीर होने के बाद भी धरती को बचा नहीं पाए। अच्छा नहीं लगेगा। सौदा बुरा नहीं है। दे दे, सौंप दे। हाँ? इसमें सोचता क्या बटर? यम्मी आंटी इतने प्यार से बुला रही है तो मैं इन्हें ना कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो मंजूर है। आओ छोटे राजकुमार, तुम्हारी ताजपोशी तो मैं करूंगा, तो भी शान से। नहीं हो रहा, करो करो कोशिश करो करो। बालवीर, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हमें तो इस सब के पीछे का रहस्य नहीं पता, लेकिन अब ये भैमार हमें सब कुछ बताएगा। कुछ पता चला बालवीर? नहीं मस्ती बरी, मैं इस भैमार का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है? मेरा दिमाग कभी ना टूटने वाले रक्षा कवच से बंधा हुआ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है
तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तिम्नासा, ये क्या हो गया? बालवीर हमारे सामने भैमार को ले गया, कहीं बालवीर उससे इस मूर्ति का सच ना उगलवा ले। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो हमारा सारा बना बनाया खेल वो कर देगा, वो बिगाड़। नहीं, ऐसा हो उससे पहले हम भैमार को छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ बहरानी, कहीं वो भैमार उनके सामने सब कुछ बकना दे। अरे बहरानी, कुछ तो बोलिए। कर लेने दो कोशिश बालवीर को भैमार से सच जानने की, देखते हैं उसे कितना पता चलता है। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। चीर सर, तिम्नासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी माँ को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ, कैसे बुझेगी उनकी प्यास, कैसे बंद होगे उसके आंसू? बताओ भैमार, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिम्नासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब? अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। बटन, धरती भी लोग किस हाल में होंगे? मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा ताकि और बच्चे पैदा ना हो। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। परानी की जय हो, परानी की जय हो, बताई हो परानी, बताई हो। धरती लोग चार लोग बन गया है, पानी के लिए लोग बिना रहे, एक दूसरे से पानी छीन रहे, और रही सही कसर, आपके प्यासे बच्चे पूरे कर रहे हैं। जो इलाज कर रहे वो खुद अस्पताल ढूंढ रहे। आहाकार, आहाकार बच गया है धरती लोक पर भैरानी, आहाकार। फिलहाल तो ये तरकीब काम कर रही है, लेकिन धरती लोक पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पानी के लिए, उससे पहले बालवीर
तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। वो तो इस फ्रिज में क्या ढूंढ रहा है? लोगों ने सारा पानी चुरा लिया है। अरे ये मेरे कंजूस पापा का फ्रिज है, एक भी पैसे की सर्विस नहीं कराई है, लेकिन इसके अंदर बर्फ में पूरा का पूरा शिमला जमता है। वाह गोपू, तेरे पापा की कंजूसी आज काम ही आ गई। ये देख, ये देख। पर गोपू इसको पीना सेफ होगा क्या? उबाल के पी लेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ चल भर भर। चल बेचारे गोपू और पत्नी, इन लोगों ने तो पानी का टेम्पररी सोल्यूशन ही ढूंढ लिया है। काश बाकी लोग भी ऐसे तरीके ढूंढ ले। सुजली प्लीज पानी की बोतल दे दे। नहीं है खाने। हाँ। दे देना, बहुत प्यास लगी है। प्लीज। नहीं चिंडी, प्यास तो हमें भी लगी है, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये आंसू इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इसके आंसुओं को गिरता रोककर तुमने इसकी ममता की प्यास और बढ़ा दी है। और इसका मतलब पता है क्या है? अभी और आंसू बहाएगी और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तिमनासा, इन लोगों ने भैमार को बंदी बनाया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। आज इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। इस बेचारी लाचार मक्खी को मारकर मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने दो इसे, ताकि ये भी पृथ्वी की तबाही खुद अपनी आंखों से देख सके। काम करते, मिल बांट के पी लेते हैं। हाँ। नहीं, तो इसमें बांटेंगे क्या हम लोग? मैंने तो गोपू सत लेने किया, पर चंटू चंटी की क्या गलती इसमें? मैंने भी तो उतनी ही प्यास लगी होगी। हम कैसे चुराएंगे? तुम्हारी बॉटल तुम्हारे हाथ में थी, हम कैसे चुरा पाएंगे? हैं चिंटी, लगता है भगवान जी ने हमारे साथ मैजिक किया है। थैंक यू गॉड। अरे बॉटल है, हमारी बॉटल है। अरे अगर हर जगह यही हाल है तो पता नहीं मम्मी दीदी और दादाजी कैसे होंगे। ये लो खुशी बेटा, इतना ही पानी बचा है, तुम पी लो। नहीं दादाजी, फिर आप क्या पियोगे? विवान, विवान कहाँ गया था तू? तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी मुझे क्या होगा, आप लोग ठीक हो ना? पूछो नहीं, बताओ कहाँ गायब हो गया था तू? पता है पानी की वजह से कितनी महाभारत चल रही है बाहर, मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी। बेटा मम्मी, मैं वो देवरों के यहाँ था। ठीक है बेटा, पर जब तक ये पानी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती ना, तब तक तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, बता रही हूँ मैं। उस रोती हुई मूर्ति की आंख से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। ओ, समझ गया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, डॉक्टर को जल्दी से बताना होगा। ठीक है मम्मी, आई प्रॉमिस मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। जा।
बालवीर, क्या बात है ध्वनि परी? पानी परी अब ठीक है ना? बालवीर, पानी परी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। बालवीर, उधर धरती पर भी कुछ छोटे नए बच्चे देखे गए हैं। इसका मतलब मस्ती परी अपने काम में नाकामयाब हो गई। बालवीर, लेकिन बालवीर अगर ऐसा है तो मस्ती परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं लौटी? तुम्हें क्या लगता है, काल लोग कोई बाग बगीचा है जिसका मन किया जब चाहे गए और घूम फिर के आ गए? पकड़ी गई होगी तुम्हारी मस्ती परी, कैद में होगी तिमनासा की। मेरी बात मानो बालवीर, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वक्त है, जाओ और घुटने टेक दो तिमनासा के आगे, क्योंकि तुम्हारा धरती लोक उसकी धज्जियां उड़नी तो अब तय है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है।